Very good morning to you all. Today in lecture 16 we have done the question number 110. Now we will do the question number 111 as per the old book. This question is very important, so please try to listen it carefully. As per the D.K. Goyal, question number 111. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. The balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. Sundry creditors 51,000, employees provident fund 9,000. Employees provident fund never distributed among the partners, it as it is an outside liability. Capitals of XYZ, ab main saath saath hi brought down kar dungi, by balance brought down. X ki capital hai 1,52,000. Y ki 1,48,000 and Z's capital 84,000. Asset side mein building hai, machinery hai, debtors hai 1,00,000 ke, provision banaya hua hai 10,000 ka, stock, cash at bank, loss hai 12,000. So loss hai to isko hum partners ke debit side mein hum brought down karenge. Loss diya hua hai 12,000, that will be distributed in 3:2:1. To jab hum loss ko distribute karte hain तो 6,000, 4,000 and 2,000 आ जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक्स रिटायर्ड ऑन दैट डे. एक्स रिटायर्ड हो रहा है तो इसको मैं सर्कल कर देती हूँ. एक्स का शेयर है 3/6. स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 40%. आपका स्टॉक 40% से कम हो रहा है. अगर आप स्टॉक देखें तो 40,000 है, 40,000 का 40% ये आ जाएगा 16,000 से आपका कम हो गया, तो इट्स अ लॉस. तो इसलिए आप इसको डेबिट साइड में डालेंगे. इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड मटेरियल्स रियलाइज्ड 1,000. आपने अपनी पुरानी रद्दी को बेचा है तो जिससे आपको कितना कैश मिल रहा है 1,000. तो इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. तो जो आपका अंदर कैश एट बैंक दिया हुआ है उसमें 1,000 ये प्लस हो जाएंगे. सो यू विल राइट हियर बाय बैंक और आप 1,000 को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आप डाल देंगे. समझ में आ रहा है बच्चे आपको? इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 17%. आपके पास 1,00,000 के डेटर्स हैं, 1,00,000 का 10,000 तो ऑलरेडी बना हुआ है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपको 17% बनाना है. तो 1,00,000 का 17% हो गया 17,000. 10,000 से 17,000 प्रोविजन हो गया तो आपको कितने की लायबिलिटी बढ़ गई आपकी और 7,000 की. तो इट्स अगेन अ लॉस. तो अब आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपके लिए लॉस है. तो कितने का? 7,000 का. इसके बाद मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 40%, अगेन इट्स अ लॉस. आपकी मशीनरी 40% से कम हो रही है. मशीनरी 80,000 है, 80,000 का 40% 32,000 का लॉस. लॉस ज़्यादा हो रहा है आपको इस क्वेश्चन में. पार्टनर्स पेड 10,000 टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक. तीनों पार्टनर्स ने मिलके अपने एम्प्लॉई के पे फैमिली को 10,000 रुपये दिए हैं क्योंकि उसको हार्ट अटैक में उसकी डेथ हो गई है. तो इट मीन्स द ऑल थ्री पार्टनर्स विल बी हियर दिस एक्स वाई एंड जेड. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा हमारे पास जरिया है जिसके थ्रू पार्टनर्स लॉस बियर करते हैं, शेयर करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक, तीनों पार्टनर्स मिलकर देंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो जो अंदर आपके पास बैंक बैलेंस अपीयर है उसमें से 10,000 आप माइनस कर देंगे तो टू बैंक आपके लिए लॉस हो गया अगेन 10,000 का. फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000. गुडविल है फर्म की 30,000 जिस दिन एक्स रिटायर्ड हुआ है. अगर आप क्वेश्चन में पीछे देखें एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो आपको कितना दिया हुआ है बच्चे? दैट इज 3:2 वाई और जेड का. तो आप अगर गेनिंग रेशियो निकालते हैं, मैं नहीं निकालूंगी आपको आता है, अगर आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो वो 8:7 आएगा.
तो यहाँ आपकी एंट्री क्या बनेगी, वाइज कैपिटल जेड्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल। तो अगर आप 30,000 में एक्स का शेयर निकालते हैं 3/6, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, एक्स शेयर ऑफ गुडविल अगर आप निकालते हैं तो 30,000 में एक्स का शेयर है 3/6, तो ये आ जाता है 15,000, ठीक है, जो कि 8:7 में कंपनसेट करेंगे वाई एंड जेड। तो इसका मतलब 8 कंपनसेट करेगा 8,000 और वाई कंपनसेट करेगा 7,000। तो आपकी इसकी एंट्री बनेगी 2x कैपिटल और वाई के अकाउंट से आप डेबिट करेंगे 8,000 और जेड के अकाउंट से आप डेबिट करेंगे 7,000। और यहाँ आप लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल से हमने लिया और 15,000 पूरे हम एक्स के अकाउंट में डाल देंगे, 8,000 फ्रॉम एक्स वाई एंड 7,000 फ्रॉम जेड। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वाई एंड जेड ये भी हो गया, लास्ट पॉइंट कह रहा है कि वाई एंड जेड वुड इंट्रोड्यूस सफिशियंट कैपिटल टू पे ऑफ एक्स, कि वाई एंड जेड जितना भी एक्स का बैलेंस होगा एडजस्टेड कैपिटल का वो वाई एंड जेड खुद पे करेंगे और उसके बाद बैलेंस जो हमारा बैंक में है वो 25,000 रखा जाएगा एज ए वर्किंग कैपिटल और उनकी कैपिटल्स वाई एंड जेड की एडजस्टेड कैपिटल भी न्यू रेशियो में होगी। तो ये लास्ट केस है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो मैं आपको करा चुकी हूँ। तो एक बार हम इसको टोटल कर लेते हैं, पहले हम अपना इसको क्लोज कर देते हैं, रिवैल्यूएशन का बैलेंस पहले हम रिवैल्यूएशन कर दें। अगर आप देखें तो आपको टोटल लॉस रिवैल्यूएशन में बनता है 7+6=13, 14=15 और इधर आपका आ जाएगा 2+3, 5+1, 65,000 का आपका लॉस हो गया, 65,000 का आपको लॉस हो गया और 1,000 का प्रॉफिट है। आई थिंक एक चीज़ रह गई है हमारी, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को हमने 20% से इंक्रीज़ करना है। अगर आप बिल्डिंग देखें अंदर तो आपकी दी हुई है 2 लाख, 2 लाख का 20% दैट इज़ 40,000, 41,000 का प्रॉफिट है। तो इधर आपका ये बनता है 24,000 का प्रॉफिट है। सो बाय प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल इन 3:2:1, तो इधर आपका आ जाएगा, अगर आप 6 से डिवाइड करें 4 3 जा, ये आपका आ गया 12,000, 8,000 और ये 4,000। इस ली वैल्यूएशन के लॉस को आप यहाँ ले आइए, 12,000, 8,000 एंड 4,000। अब आप इसको टोटल करेंगे तो इधर आप देखते हैं 1,52,000+7,15, तो ये आ जाता है 1,67,000, इधर 1,48,000 है, ठीक है। सो 1,67,000 में से अगर आप 18,000 माइनस कर देते हैं तो ये बैलेंस बचता है 1,49,000। आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, इधर 1,48,8+8=16+4=20 आप माइनस करते हैं तो 1,28,000 बनता है और इधर आप 84,000 में से 7+2=9+4=13 माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 71,000। अब आप इसको नीचे उतार दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,49,000, 1,28,000 एंड 71,000 आपका आ गया ये। अब हमें न्यू कैपिटल्स निकालनी है, ठीक है, ए और एक्स वाई और जेड की। अब हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब हम इधर देखते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ वाई दैट इज रुपीज 1,48,000, करेक्ट, नॉट 1,48,000, 1,28,000। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जेड कितनी आ जाएगी, 71,000, करेक्ट, 71,000। एंड अमाउंट पेबल टू सी, हमें अमाउंट सी को कितना देना है, अभी हमने निकाला था
अमाउंट पेबल टू एक्स नॉट सी एक्स को हमें कितना पे करना है, 1,49,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एक्स को हमें कितना पे करना है, 1,49,000। अगर आप और अमाउंट टू बी कैप्ट एज, अमाउंट टू बी कैप्ट एज दिखाई दे रहा है बेटा आपको, कैप्ट एज वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप देखें अमाउंट टू बी कैप्ट एज वर्किंग कैपिटल कितना, 25,000। अगर आप इसको प्लस करते हैं तो इधर आपका टोटल आता है सारा, अगर आप 1,28,000 प्लस 1,49,000 प्लस 71,000, तो अगर आप ये टोटल करते हैं तो इधर आपका आ जाता है 3,73,000। इसमें से आप माइनस करेंगे अवेलेबल बैंक बैलेंस। अगर आप अवेलेबल बैंक बैलेंस देखें, आपके पास अंदर दिया हुआ कितना था, 22,000, जिसमें से अमाउंट कितना आपको रियलाइज हुआ, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर बेचने से कितना मिला, 1,000। टोटल हो गया 23 माइनस अमाउंट पेबल टू एम्प्लॉय, आपने किसको पैसा दिया, एम्प्लॉय को, कितना दिया आपने एम्प्लॉय को पैसा, 10,000। तो इसका मतलब अवेलेबल बैलेंस कैश कितना है, 13। तो यहाँ आप 13 से माइनस करेंगे तो आपकी न्यू कैपिटल आ जाएगी 3,60,000 इज़ द न्यू कैपिटल विच विल बी डिवाइडेड अमाउंट हुम वाई एंड जेड इन न्यू रेशियो, दैट इज 3:2। तो वाई की अगर आप न्यू कैपिटल निकालते हैं तो ये आ जाती है 2,16,000 और जेड की अगर आप निकालते हैं तो 1,44,000। क्लियर टू यू। अब आप अगेन फर्स्ट पेज पे आ जाइए, आप अगर आप यहाँ देखते हैं तो टू बैलेंस कैरी डाउन, आप इधर पर इनकी न्यू कैपिटल्स डाल देंगे एक्स Y की न्यू कैपिटल कितनी आई है बच्चे, 2,16,000 और Z की 1,44,000। और अगर आप देखें मेरे बच्चे तो Y की कैपिटल कितनी है, 1,28,000 से 2,16,000 हो गई, तो वो कितना कैश लेके आएगा, 88,000 ले आएगा, जिससे 2,16,000 हो जाएगी। और Z की 71 है और जबकि अब हो गई 1,44,000, तो Z कितना लेके आएगा, 73,000, तो हो जाएगी 1,44,000। समझ में आ गया। अब आप टू बैंक करके आप X को पे कर दीजिए 1,49,000। अब आप बैलेंस शीट में आ जाइए, तो जब आप बैलेंस शीट में यहाँ पर कैश एट बैंक दिखाएंगे तो कैश एट बैंक आपका 25,000 आएगा, क्योंकि आपने वर्किंग कैपिटल 25,000 रखना है। क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 51,000, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 9,000 एज इट इज, और सिर्फ कैपिटल्स किसकी आएंगी अब, वाई और जेड की, वाई की 2,16,000 और जेड की 1,44,000, टोटल 3,60,000। एसेट्स में आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपको दी हुई है 2,00,000 की, जो कि अब कितने से इंक्रीज हो रही है, 40,000 से, 2,40,000। सेम आपका मशीनरी है 80,000, जो कि डिक्रीज हो जाएगा 32,000 से, 48 हो गया। सन्ड्री डेटर्स आपके पास दिए हुए हैं 1,00,000, प्रोविजन हो गया 17,000 का, तो अब आपके पास डेटर्स रह गए 83,000। स्टॉक 40,000 का था, 16,000 से घट गया, ये रह गया 24,000। अगर आप दोनों तरफ टोटल करते हैं तो आपका आ जाता है 4,20,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, सबको समझ में आ गया है। दिस इज़ योर लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स टॉपिक,
और इसके बाद अब आपने एडिशनल क्वेश्चंस उठाने हैं. एक दो दिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर. थैंक यू सो मच.